थोड़ा स्वागत है देसी चरोखा दे अगले एपीसोड रूबरू दे विच नूं देखण दा ते टाइम स्पेयर करन दा। भंगड़ा या डांसेस जिंदगी दे एक तर्ज है, रिदम है, सिंफनी है ते थ्रिल है। ये सारे चीज़ों का सुमेल गायकी बेहतरीन चीज़ है, हिस्सा है उसका, लोक गायकी है। मगर एक कोई सज्जन जड़ा लोक गायक हो के क्लासिकल भी गाँदा होए, इवेंट ऑर्गेनाइजर होए, खुद डांसर होए ते नेशनल इंटरनेशनल डांसर्स पैदा करे, वो सुमेल है तरनपाल सिंह। तरनपाल जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया तुसी आए साडे स्टूडियो दे। शुक्रिया पहला तो देसी चरोखा और चन्नी तकुलिया सर दा, जिन्हां दी बदौलत तरनपाल है। मैनू लगता कि मेरे लिए बहुत माण वाली गल है कि अज मैं अपने मेंटर दे कोल बैठा और मेरे मेंटर मैनू इंटरव्यू लई बुलाया। थैंक यू वेरी मच। तरनपाल जी तो मेरी मुलाकात कोई वीक साल पुरानी है। असी एक एसोसीएशन बनाई सी भंगड़े वास्ते, सभ्याचारक कला मंच, उदों हले स्टूडेंट ही सीगे ते बेहतरीन डांसर ते कंपोजर। ही इज़ अ वेरी गुड कोरियोग्राफर आल्सो। ते वक्र वक्री थां दे उत्ते वक्र वक्री पोजिशन ते इन्होंने काम किया। इन्हां दे अपने एक अकैडमी है डांसिंग लॉयंस, एक होर संस्था है सभ्याचारक कला मंच, तुहाडे नाल ही असी चल रहे हां उहदे विच भी, और उस तो अलावा असी तरुण इवेंट्स के नाम पर भी काम कर रहे हैं जी। एक होर इंटरनेशनल संस्था के नाल जुड़े ने तरनपाल जी, जेडे ईयरली तो एक नैशनल लैवल ते फंक्शन करते हैं वक्री वक्री थावां दे उत्ते, ते छे महीने बाद एक पंजाब च भी ये फंक्शन करते जिते पंजाब के सारे बच्चा सारे शहरों तो बच्चों इनवाइट करते हैं। तो वह इवेंट इन्ना खूबसूरत होंगे कि सवेर तो शाम तक दो दिन बल्ले बल्ले हुई होंगी है जी। वो एक्चुअली वो डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, वेद डांस प्लस स्पोर्ट्स एक मिक्सचर बनाया गया है, तो मैं वह टैक्निकल सैकटरी हाँ पूरे इंडिया का। तो मैनू बड़ा माण महसूस हों कि जो पूरे इंडिया के बच्चे अपनी अपनी स्टेट के जोड़े विनर होंगे है वो नैशनल लैवल पर कंपीट करते और तुहाडे वर्गे उस्ताद जिहड़े ने आके उत्थे आशीर्वाद देंदे आ, साडे लई बहुत माण वाली गल हुंदी है। पिछले एपीसोड दे च राजवीर मल्ली होरां ने जिक्र किया सीगा कि एक इवेंट करवाया गया सी जिहड़ा सभ्याचारक कला मंच ने करवाया सी, भंगड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनलाइन सीगा, जदों कोविड दे दिनां दे सारा कुछ बंद हो चुका सी, ते तरुण ने हिम्मत की ते वो ऑर्गेनाइज किया। ते बीइंग प्रेजिडेंट सभ्याचारक कला मंच का मैं भी इनवॉल्व किया इन्होंने नाल, उस दे विच इन्होंने प्लैनिंग इन्हां दी सी, असी ते नाल खड़े सीगे इन्हां दे, वन टाइम वन रिदम एंड वन स्टेप। टाइम मिनट का एक एपीसोड सीगा जिहड़ा क्लिप बना के इन्होंने जिहड़े फिर इनवाइट किया लोग सज्जनां नूं डांसर्स नूं बच्चों नूं, तो बहुत सारे दोस्तों नाल सांझ पाई किया गया। तो फिर छे होर कंट्रीज, सतवां हिंदुस्तान, 1100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई। जिन्हें बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई सी उन्होंने वो टाइम मिनट का क्लिप भेजा गया सी, टाइम दिता गया, तो उस टाइम तो 9:30 बजे एग्जैक्ट 8 नवंबर जी 9:30 बजे टोल खड़के लाइव एक थान तो एंड सारे नाल मुलाकात हुई, लिंक हुए साढ़े नाल। तो एक बार 1100 बच्चों ने पार्टिसपेट किया, वो साढ़े लिए फखर की गल, असी कामयाब से। उस वास्ते असी एक जो साढ़े दोस्तों ने मदद की सी, उन्होंने सारे का सीवीज और फोटोग्राफ्स से होर पुराने सज्जनों के ना करके एक कॉफी टेबल बुक बनाई गई है, जिद जिदा तरनपाल जाता कि सब कुछ मेहनत की। ये साडे फ्रेंडली सर्कल दे एक बहुत वड्डा ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी एस्टैबलिश होया। उस तो बाद ते इन्हां दे अपने भी भंगड़े का एक क्लासिकल डांसर भी है, सिंगर भी है, भंगड़ा पाते ने तो फोक सिंगिंग भी कराते हैं, एक कोच बहुत अच्छे ने, उस बारे पुछना पाओ। हूँ मैं घट बोलूँगा, हूँ तुम बोलोगे।
देखो सर सारा कुछ मैं अपने वड्डिया तो अपने उस्तादा तो ही सीख्या तुसी मैनू माण दिता इन्ना कुछ मेरे बारे बोल के और मैनू लगता कि इन्ने जोगा नहीं मैं पर जिन्नी तौफीक है परमात्मा ने जिन्नी सोझी बख्शी है कोशिश करते रहने समय दर समय कुछ ना कुछ बच्चों लिए नवा लैके आते रहिए बच्चों कुछ सिखाने की कोशिश करते रहने कि जिन्ना क सानू असी सीख्या अपने उस्तादा तो कि जे मैं लगता कि जे जिहड़ी चीज़ असी सीखी है असी अगे नहीं सिखा के जाते तो शायद साडा आउण दा मोटिव जिहड़ा वो हल नहीं हुंदा तो मैनू लगता कि परमात्मा ने यही ड्यूटी लगा के भेजी है सानू कि असी बच्चों लई कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट कर दीए साडे संस्था दे विचों भी काफ़ी बच्चे जिहड़े टीवी शोज़ ओलंपिक्स तक भी गए ने ते मैनू बड़ा उदो माण महसूस हुंदा जदों रोड्स दे उत्ते किसे ईवेंट दे उत्ते जां किसे प्लेस दे उत्ते कोई बच्चे मिलदे आ तो बड़े प्यार नाल मिलदे आ सर कह के जदों बुलाउंदे आ कि सर तुहाडे करके इत्थे खड़े आ ते मैनू लगदा कि उही साडी जिंदगी दी कमाई है। एक होर खूबसूरत चीज़ जिहड़ी इहनां दे मेहनत दा सदका हैगी है कि बच्चे एक आवाज़ से आ जाते हैं एंड बड़े डिसिप्लिन वे नाल काम करते हैं उत्थे मैं देखा जिहड़े बच्चों की टीम हैगी है क्रू है सर पूरा क्रू हाँ तुसी कोई नाम सी दिंदे हुंदे आ डांसिंग लायंस क्रू कहने सर डांसिंग लायंस क्रू तो उस दे च उन्हां दे पेरेंट्स का बड़ा योगदान है बच्चों के बिकॉज वो तरुण हम एक फोन कॉल दिते पेरेंट्स फिर ये नहीं पुछते भी कितने जा रहे मतलब तरुण सर को जा रहे हैं तो जा रहे हैं उस दिन मैं चीज़ का फख्र महसूस करता कि इन्होंने इन्होंने टीम के जिन्हें बच्चे हैगे है वो किसी तरह का भी कोई पुठा सीधा काम नहीं करते एंड वो जाके बड़ी शिद्दत नाल काम करेंगे तो फिर अपने पेरेंट्स को जाएंगे यानी कि डिसिप्लिन फ्रेमवर्क तरुण ने क्रिएट किया है अपने सर यही चीज़ असी कमाई है क्योंकि पेरेंट्स उदों ही विश्वास करते हैं जो असी अपनी की और कहनी दे विच पूरे होइए जे असी बच्चों नूं कोई गलत सिक्ख्या देईए या बच्चों नूं किसे गलत पासे तोरीए तो मैनूं लगता कि कदी भी पेरेंट्स साडे उत्ते विश्वास नहीं करनगे और तुसीं खुद भी देखिया बहुत सारे लोग जाणदे ने जिहड़े जाणदे ने सानूं उहनां नूं पता है कि साडी टीम दे विच कुड़ियां बहुत है कुड़ियां एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी हुंदी है मैनूं लगता कि जदों पेरेंट्स सवेर तो लैके 6 बजे तो लैके रात दे 11-11 बजे तक किसी ईवेंट वाले दिन साढ़े नाल साढ़े मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के काम करते हैं तो मैनू लगता वो साढ़े लिए भी माण वाली गल है कि उन्होंने पेरेंट्स साढ़े उत्ते विश्वास करते हैं सारी गल जी गल की हैगी तरुण होना ने मिसिज तरुणपाल हुणी मैडम साड़ी छोटी भरजाई छोटी भैन वो भी इस काम इन्ने खूबसूरत ढंग इसका साथ देंगे ने सारा परिवार ही जुड़िया इस काम के उत्ते मैं मज़ा आता मेरे को लफ्ज शायद घट हो रहे ने सर ये परमात्मा की देन है चलो बहुत अच्छा हम सफ़र मिलया मैं लगता कि चंगा हम सफ़र ना हो ते तो वादे कोई नहीं जान सकता क्योंकि मिसिज तकुलिया जिथे तक मैं जानता जदों असी इतने ईवेंट करते होंगे विरसा विहार के बहर भी बहुत ईवेंट किए थे भी तो मैम बहुत ताड़ा भी साथ देंदे सी मैं लगता कि उही चीज़ देख के अगे जसप्रीत मैम भी मेरी वाइफ वह भी मैम तो इंस्पायर हो के अगे वह भी मेरा उदा ही साथ देंदे और मैनू बहुत चंगा लगता शाबाश तरुण मैनू मेरे खूबसूरत लफ्जों का एहसास करवाया तो रियालिटी है सर ये रियालिटी है जो मैं देखा पिछले 20-22 साल तो हूँ एक छोटी जी गल करांगे जी जी आम तौर पर भंगड़े पुराने भंगड़े तो नवे भंगड़े के वो जो सफ़र है वो जो एक बहुत बड़ा परस्पेक्टिव आया है चीज़ के वो बारे थोड़ा लास्ट टाइम भी मेरी एक इंटरव्यू सी किसी प्राइवेट चैनल के उत्ते दोबारा तुसी मैनू उही सवाल पुछया सर मैं शुक्रगुजार हाँ क्योंकि सानू मौका मिलता है इस चीज़ बारे गल करन दा और मैनू लगता कि ये गल करनी जरूरी भी है समय की मंग भी है पुराना भंगड़ा और नवा भंगड़ा तो उही रहेगा पर जे पर टाइम की गल करिए तो समय के नाल कुछ चीज़ा जड़ियाँ चेंज जरूर हो जाए पर अजकल साइबर कोचेस जड़े ने वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए उहदा कारण कुछ सोशल मीडिया भी हो सकता हर चीज़ के दो पहलू ने चंगी चीज़ भी है तो माड़ी भी है उहदे नाल एक चीज़ चंगी ये लगती है मैनू कि देशों विदेशों के जिहड़े साडे वीर भरा भैण छोटियां भैणां वड्डियां भैणां गईयां ने या भरा गए ने वह जदों ट्रैक के उत्ते बच्चों नूं सिखांदे आ तो मैनूं लगता कि वह साडे पंजाबी कल्चर नाल ही जोड़दे पए आ वो चंगी चीज़ भी है नाल दी नाल बहुत सारे इदा दे वधिया कोचिज ने साडे सीनियर्स ने मेरे कुछ छोटे भरा भी ने जिहड़े उत्थे जा के लोक साज़ां दे उत्ते अपने कल्चर दे नाल बाहरले बच्चों नूं वी जोड़ रहे आ
वो एक एक्सट्राऑर्डनरी चीज़ हो जाती है उन्होंने देशों लिए। पर जे साडे देश की गल करिए तो साडे देश दे विच असी लाइव साजा नूं छड्ड के यानी कि ढोल नूं छड्ड के असी ट्रैक्स वाल ज़्यादा हो गए। उहदे विच मैनूं लगता है कि कुछ हिस्सा जिहड़ा है वो गलत चीज़ जिहड़ी हो रही है कि उन्हूं रोकण वाला कोई नहीं है, रोकथाम नहीं हो रही। रोकथाम करन दा तरीका ये नहीं है कि असी किसी नूं ओए कह के कहना है या उन्हूं गलत लफ्ज़ उहदे लई यूज़ करने, नहीं, उन्हां नूं समझाउणा साडा फर्ज़ है। जिहड़े साडे छोटे वीर इदां दा कोई काम करदे आ उन्हां नूं समझाउणा साडा फर्ज़ है। और मैनूं लगता कि थोड़ी जी सोझी दे विच कमी है, समझणों भी थोड़ा अजकल घट गए ने साडे यूथ। जे असी किसी नूं समझाउने आ तो उन्हां नूं नवें शायद मुंडियां नूं ये लगता कि इह तां एवें बोली जांदे आ कि कल्ले ढोल दे उत्ते नच के थोड़ी सारा कुछ हो जाता। असी नचे हाँ, जिहड़े नचे ने जिहड़े कॉलेजेस दे कोचेज ने उन्हां नूं पुछो किस तरह उन्होंने वो समा हंडाया। जदों यूनिवर्सिटीज़ दे विच असी जांदे हुंदे सी ते उस वेले साडे दिमाग 'च कदी ट्रैक या साउंड या गाना इदां दी चीज़ आउंदी नहीं सी क्योंकि सानूं सिखाइयां नहीं सी जांदियां। सानू कोच बहुत चंगे मिले तुहाडे वर्गे, राजवीर मल्ली जी वर्गे, जसबीर पन्नू जी वर्गे, मास्टर मोहन लाल जी वर्गे, सानू बहुत चंगे चंगे कोचेज मिले, ड्रमर बहुत चंगे मिले। सानू लगता कि हुण दे समें दे विच वी इदां दे ड्रमर इदां दे कोच लभणे कोई औखी गल नहीं, पर उन्हां नू तराश के उन्हां दी मेहनत नू एक स्टेज दे उत्ते चंगे तरीके नाल पेश करके लियाउण दी जरूरत है। यूनिवर्सिटीज़ दे विच वी बहुत कुछ देखण नू मिलदा। जदों यूनिवर्सिटीज़ दे अगे साडे टाइम दे उत्ते टीम्स आउंदियां सी ते मैनूं लगदा कि मैं ज़्यादा पिछे ना भी जावां ते 2001 की गल है, दुआबा कॉलेज हुंदा सी, मैं तो उदों जोनल फैसटिवल्स दे विच 15 to 20 टीम्स हुंदियां सी। ते जे मैं पिछले साल की गल करां ते कल्ले जलंधर जोन की गल करदा, बाकी तो किसी की नहीं गल करदा, ते 3 या 4 टीम। ये कॉलेजेस तो उन्ने ही रह गए ना, कॉलेजेस बंद नहीं होए, कोचिज नहीं खत्म होए, कोचिज भी नहीं है। ड्रमर्स की गल करिए समय दर समय नवे ड्रमर्स भी आते गए। फिर कमी कित्थे रही साड़ी कि साड़ियाँ टीमां क्यों घटदियां जा रही? कमी यही रहिंदी है कि जिहड़े नवे कोचिज आउंदे आ वो एक साल या 2 साल टीम नूं करवाउंदे आ, वो ऐसा एक सिनैरियो क्रिएट कर देंदे आ कि उस तो बाद वो कॉलेज उस कॉलेज की टीम नूं रेडी नहीं हुंदा। उहदे विच बहुत सारिया चीज़ा हो सकदियां, कई बार कुछ जजमेंट पैनल तो निराश हो जाते हैं कि साडा कुछ आया नहीं, साडा धक्का हो गया या इदा हो गया। पर कुछ हद तक मैं लगता कि जो असी भी जजमेंट पैनल पर जाने कि सारा हर बंदा रब नहीं हुंदा, कई बार गलतियां हो जाएं, कई बार दिल से पत्थर रख के भी डिसीजन लेने पै जाते हैं, पर उन्हें जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता जो टीम्स डांगा खुंडे लैके खड़ जाएँ जजमेंट पैनल के मूहरे। वो चीज़ मैंने लगता है उसनू थोड़ा रोकथाम पाने की बहुत जरूरत है। सर उन्होंने बड़े खूबसूरत गल पर असं क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सानू राइट नहीं है क्रिटिसाइज करने का, मगर असी जिसले असी किसी रवायती भंगड़े नू रवायती डांस नू देखने की कोशिश करते हैं तो जे असी सोचिए कि जी नवें बच्चों नू उस तरह सिखाया जाए तो जो पुराने भी डांसर्स है जो 40-50 साल पहले साड़ी उम्र के बंद जो करते असी भी कोई माइक्रो फिल्म बना के असी उन्होंने डेमोंस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे। एक तो सेहत एज ये सारे चीज़ों का फर्क है जी, मगर आने वाले समय से शायद कुछ ऐसा उपराला हो जाए तो असं कुछ कर सके तो कुछ वो कोशिश की जा रही है। मैं दर्शकों को जरूर दसना चाहूँगा कि चन्नी सर, राजवीर मल्ली जी और साड़ी टीम, असी मास्टर मोहन जी भी ने, जसबीर पन्नू जी ने, बहुत सारे नाम ने, गुस्ताखी माफ़ अगर मैं किसी का नाम ना ले सकां, पर समय की शॉर्टेज है, मैं इस करके जल्दी गल नूं खत्म करूँगा कि असी कोशिश करन दी एक लीक खिंच चुके हैं, एक लाइन असी शुरू कर चुके हैं कि जिहड़ी गल हुणे चन्नी सर ने कही है कि जिहड़े नवे कोचिज ने उन्हां नूं बुला के एक वर्कशॉप अरेंज जरूर की जाएगी। उस वर्कशॉप दे विच जिहड़े पुराने सीनियर्स ने, जिहड़े लैजेंड्स ने भंगड़े दे, जिन्हां नूं असी कहिंदे आ, जिन्हां विच चन्नी तकुलिया सर ने, और मैनूं लगदा कि बहुत जरूरी ये चीज़ है कि नवे कोचिज नूं वो चीज़ दसी जाए क्योंकि असी ये चीज़ा सीखिया ने, सानू हुण कमी महसूस होंदी है कि वो चीज़ा जड़ियाँ वो अखों परोखे कीतियां जा रही, पर मेरे ख्याल नाल होना नहीं चाहिए। जो असी नवे मुंडिया नवे कोचिज नूं वो चीज़ सिखावांगे फिर जजमेंट पैनल्स के जिहड़े साडे सीनियर्स बैठते हैं बहुत सत्कारयोग ने सारे, उन्होंने भी विच इनवॉल्व किया जाएगा, फिर उन्होंने भी एक गुजारिश की जाएगी साडे वालों, असी हुक्म नहीं कर सकते, किसी नूं समझा नहीं सकते, असी गुजारिश जरूर करांगे अपने सारे वड्डे वीरां तों, साडे कोचिज तों, साडे उस्तादां तों कि जदों जजमेंट पैनल ते बैठदे आ ते जिहड़े फोक चीज़ां ने
पुराने कोचिज ने उन्हों का थोड़ा जहा ध्यान जरूर रखो कि उन्होंने कि चीज़ करवाई है उसनू जस्टिफाई जरूर करके जाओ स्टेज के उत्ते एक चीज़ जरूर दस के जाओ कि ये टीम इसलिए जीती है क्योंकि इन्हें आ चीज़ा पुराने रवायती चीज़ को संभाल के रखा सी आ चीज़ा उन्होंने पेश कीतियां जे असी सिर्फ शोशेबाजी को देख के रिजल्ट देवे तो मैं लगता वो फिर पुराने रवायती भंगड़े के नाल थोड़ा धक्का हो जाता है। मैं कि महसूस कर रहा कि हूँ ना ये डिस्कशन का भांडा जरा लबो लब भर गया कोई स्कोप नहीं बचा पे असं होर को डिस्कशन कर सकी तो मैं थैंक यू कहना शुक्रिया अदा करना अजीज थोड़ा कि तुम आए साढ़े स्टूडियो के इतना खूबसूरत डिस्कशन कीतियाँ तो वह उपराला जरा जो हम जिक्र किया बाकी उन्होंने चाहे तो अभी डेफिनेटली बहुत छेती जल्दी जल्दी जरूर सर अभी जरूर कोशिश करा दर्शको शुक्रिया तुम टाइम स्पेयर किया सा प्रोग्राम देखा इस बारे कोई सुझाव अपना देना चाहो तो इस पर गल तो बाद एक एड्रेस भेजा कि तुम अपना फोन नंबर डिस्कशन कर भेज सकते हो सू मैसेजेस वट्सएप से कर सकते हो या लिखित रूप भेजना चाहो ईमेल पर भेजना चाहो तो असं वेलकम कहेंगे तो सू अच्छा लगेगा तो इस इस बाद मैं हम थोड़े को इजाजत चाहना शुक्रिया थैंक यू सत श्री अकाल थैंक यू सर।